करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब कोई थ्योरी नहीं है कि मैं फीचर लिखूंगा इसके। ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, पहले मैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स पढ़ूंगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ, मैंने बैटरी लगाई और फॉरवर्ड करंट आया, तो कितनी बैटरी लगी और कितना करंट आया उसको मेजर करना चाहता हूँ, तो वो क्या बनेगी उसकी करेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ प्लॉट करूंगा। ऐसी भी रिवर्स बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर मैं रिवर्स बैटरी लगाऊंगा तो करंट और वोल्टेज को मेजर करूंगा, उसे बोलते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो पहले फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेसिकली क्या होगा, फॉरवर्ड के अंदर ये फॉरवर्ड करंट है और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में बैटरी की वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं और करंट को फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। तो ये करंट है मिली एम्पियर, फॉरवर्ड है ना मिली एम्पियर। होता है क्या, जब आप बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते हो नीचे से, फॉरवर्ड करंट मेजोरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ भागते हैं, करंट बढ़ता है। तो वोल्टेज बढ़ती है, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है। 0.7 वोल्ट के आसपास क्या हुआ, एकदम करंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि शुरू में जब आपने बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई तो मेजोरिटी कैरियर भागे, डोपेंट के डोपेंट की वजह से मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो भागे, करंट बढ़ा। जब आपने ज़्यादा करंट वोल्टेज बढ़ा दी तो सोए हुए जो सिलिकॉन के करोड़ों लाखों एटम्स हैं ना, उसके भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहाँ शिफ्ट हो गए, कंडक्शन में। लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए एक से जो सिलिकॉन सिलिकॉन के, और एकदम करंट क्या हो गया, और बढ़ गया। तो शुरू में करंट बढ़ता नहीं है, शुरू में कम रहता है क्योंकि मेजोरिटी कैरियर भागते हैं, बाद में सिलिकॉन सिलिकॉन के लाखों एटम के इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाते हैं और करंट देखो बढ़ गया। और ऐसा ऐसी वोल्टेज जब ऐसा अकर होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, इस वोल्टेज का नाम है नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जब करंट फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स में नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट एकदम बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में, तो बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है पर फिर भी बना देता हूं। रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में आपका डायग्राम, ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम था, इस क्वाड्रेंट में बनता है जिसमें वी और आई दोनों पॉजिटिव है, रिवर्स में वी भी नेगेटिव है और आई भी नेगेटिव है, सब कुछ उल्टा है, तो इस क्वाड्रेंट में बनता है। तो बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, डायग्राम कुछ ऐसा बनता है वी और आई का, ऐसे ऐसे बनता है ये डायग्राम। एक्चुअल में ये डायग्राम है, ये फॉरवर्ड का था और ये जो है ये रिवर्स का है। और रिवर्स करंट किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर, और फॉरवर्ड करंट किसमें था, मिली एम्पियर, ऐसे होता है। तो करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? देखो ये करंट ना बहुत ही छोटा है, रिवर्स वोल्टेज है, इसको रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं और रिवर्स करंट बोलते हैं। रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट है। तो जब आप वोल्टेज हल्की फुल्की रिवर्स बाइसिंग में लेके आते हो, करंट के इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होल मूव करते हुए करंट बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाते हो रिवर्स बाइसिंग में, उसी टाइम सिलिकॉन के बॉन्ड टूट जाते हैं और लाखों में टूटते हैं, उससे जनरेट इलेक्ट्रॉन होल एकदम जंक्शन की तरफ भाग जाते हैं और करंट एकदम बढ़ जाता है। लेकिन हम इस रीजन को बोलते हैं ब्रेकडाउन हो गया। ये कौन सी वोल्टेज है, जब ये करंट एकदम बढ़ता है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। आप कहोगे तो अच्छा है ना करंट चला गया, भाई अगर इतना ही अच्छा था तो डायोड पढ़ क्यों रहे हो, तुम सिंपल तार लगा दो ना कंडक्टर की, वो भी तो करंट पास कर ही रहा था। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें करंट ही पास करना है तो सेमी कंडक्टर से क्यों कर रहे हो भाई, कंडक्टर से ही कर लो, वो भी तो पास करवा ही रहा था। हम ये चाहते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई भी डायोड करंट पास करे, रिवर्स बाइसिंग में डायोड करंट पास ना करे, तब है मजे की बात। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को जब मैं यूज करूंगा तो एक डिवाइस बनाऊंगा अगली बार, उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड करंट को पास होने देता है और रिवर्स बाइसिंग में ब्लॉक कर लेता है। तो अगर ये करंट पास होने देता है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो हम ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करते, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है, जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज को चेंज करते हो तो करंट सर्किट में चेंज होता है, तो चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस।